Hey guys, welcome back to the Chatpat Toy TV. मेरा नाम है रहा। आज की वीडियो में मैं PS4 Slim 1TB वर्जन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ। चलो गाइस फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और गेम्स वगैरह भी खेल के देख लेते हैं। इस PS4 के साथ मैंने एक कंट्रोलर भी खरीदा है, यह है डुअल शॉक वायरलेस कंट्रोलर। तो भी बात करते हैं PS4 के बारे में। बॉक्स की हालत बिल्कुल सही है यार, कहीं से भी बॉक्स जो है डैमेज वगैरह नहीं हुआ है। हालांकि ये एक रिफर्बिश्ड है, यानी कि यूज किया हुआ PS4 है। गाइस इसका प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैंने खरीदा है 30,000 रुपीज में और भाई इसके साथ मेरे को 40,000 रुपीज के इन लोगों ने गेम्स भी लोड करके दिए हुए। टोटल इसके अंदर 20 गेम्स दिए हुए इन लोगों ने। तो भाई फटाफट से इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं क्या इसमें सच में 40,000 रुपीज की गेम्स दी गई है कि नहीं। तो चलो गाइस फटाफट से अपने PS4 को निकाल लेते हैं। और भाई यहाँ पे देखो एक कंट्रोलर भी दिया हुआ इन लोगों ने, तो शायद ये इसी का ही कंट्रोलर होगा। काफी सही क्वालिटी का लग रहा है भाई, कहीं से भी पुराना नहीं लग रहा है मेरे को। और क्या है देखते हैं इसके अंदर। अच्छा, तो यहाँ पर बहुत सारी केबल्स इन लोगों ने दे रखी है अपने PS4 को लगाने के लिए। ये इसका पावर प्लग है, ये रहा HDMI केबल, और यहाँ पर एक माइक्रो USB केबल भी इन लोगों ने दे रखा है। और क्या है भाई साहब बॉक्स के अंदर देख लेते हैं यार अपन फटाफट से। और कुछ नहीं है गाइस, अभी यहाँ पर है अपना PS4। ये देखो गाइस मैंने निकाल लिया है और भाई काफी सही पैक किया इन लोगों ने। देखो जैसे ओरिजिनल पैकिंग होती है उसी तरह से कुछ पैक करके दिया हुआ इन लोगों ने मेरे को PS4। और भाई साहब क्या ही जबरदस्त लुक है यार इसका। और ऊपर देखो बहुत ही माइनर से स्क्रैचेस भी है इसके ऊपर। तो सामने की ओर देखो यहाँ पे लिखा है सोनी बोलकर, इधर है PS4। यहाँ पर सामने की ओर दो USB पोर्ट देखने को मिलते हैं और यार यहाँ पर है इसका CD डालने का स्लॉट, यहाँ पर है इसका ऑन ऑफ स्विच, और यहाँ पर CD को बाहर निकालने के लिए एक बटन भी दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ इसके एयर वेंट्स है। पीछे की तरफ यहाँ पर लैन लगाने के लिए दिया हुआ है, HDMI को यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑक्स का पोर्ट है, यहाँ से हम इसको पावर दे सकते हैं। बिल्कुल सही क्वालिटी लगी यार मेरे को इसकी। तो भाई देखने में कहीं से भी पुराना लगा नहीं यार मेरे को, बिल्कुल नया जैसा ही दिख रहा है। तो भाई जहां तक इस कंट्रोलर की बात करूं मैं, कंट्रोलर बिल्कुल सही क्वालिटी का लग रहा है यार। और यहाँ पर इसके एक्शन बटन भी बहुत ज्यादा टेक्टाइल है, जॉयस्टिक्स भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव लग रहे हैं, यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और भाई यहाँ पर देखो लाइट भी जल रही है। तो भाई चलो फटाफट से चलते हैं टीवी के पास, इसको टीवी से कनेक्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कितनी गेम्स है और थोड़ी बहुत गेमिंग भी करके देख लेते हैं। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या आपको ये PS4 खरीदना चाहिए कि नहीं। तो गाइस फटाफट से अपने PS4 को टीवी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं यार। यहाँ पर देखो HDMI केबल मैंने लगा दिया है, पावर केबल भी लगा दिया है साथ में, और इसको फटाफट से ऑन कर देते हैं। यहाँ पे ब्लू लाइट जलने लगी है, तो स्क्रीन पर देखो आ चुका है अपना PS4 का लोगो, और भाई अपना जो कंट्रोलर है PS4 के साथ पेयर भी कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम देखो इस तरह का केबल लगाकर इस तरह से इसको पेयर करना पड़ता है, और यहाँ पर अपने PlayStation का बटन प्रेस कर देते हैं, और भाई एकदम झट से देखो कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट भी आ रही है। तो अभी ये जो केबल है इसका कोई काम नहीं है भाई साहब, यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो फटाफट से देखते हैं कितने गेम्स है। फर्स्ट गेम है फार क्राई 2K20, मोर्टल कॉम्बैट भी दिया है भाई साहब इन लोगों ने, और यहाँ पे नेक्स्ट वाली गेम है स्मैक डाउन पेन, NFS हीट, रॉकेट लीग, ओ भाई गजब की गेम है ये तो, गॉड ऑफ वॉर, सिकिरो, घोस्ट ऑफ सुसुमी, रेड डेड 2 और टोम राइडर, वैलहेला, अनचार्टेड 4, द लॉस्ट ऑफ अस पार्ट 2। भाई साहब एक से बढ़कर एक गजब की गेम्स है इसके अंदर। सारे के सारे जो गेम्स है हाई ग्राफिक्स हाई इंटेंसिटी लोडेड गेम्स दे रखे हैं। सबसे पहले टेस्ट करते हैं मोर्टल कॉम्बैट 2 को। यहाँ पे मैंने ले लिया है स्कॉर्पियन को, और भाई इसके साथ अपन फाइट कराएंगे अभी सब जीरो की। और यहाँ पे मैंने वेरी हार्ड भी सेलेक्ट कर लिया, अभी काफी हार्ड गेमिंग मैं आपको करके बताने वाला हूँ गाइस। 2-3 दिन पहले भी मैंने इस गेम को खेला था यार, मेरे को काफी ज्यादा गजब की लगी थी ये गेम। और भाई ये जो कंट्रोलर है अपने हाथों में जो वाइब्रेशंस महसूस होती है ना यार, वो अलग ही लेवल की होती है। इस कंट्रोलर के अंदर दो मोटर्स भी दी जाती है, और भाई जैसे जैसे आप फाइट वगैरह करते हो, पंच वगैरह या फिर किक वगैरह मारते हो अपोनेंट को, उसी तरह से आपके हाथों में भी वाइब्रेशंस आने लगती है। तो भाई आप पूरी तरीके से जो है ना गेम के अंदर घुस जाते हो। भाई मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप एक बार कंट्रोलर पकड़ोगे ना गाइस PS4 का, तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एकदम अलग ही लेवल का हैप्टिक फीडबैक होता है इस कंट्रोलर का। तो भाई यहाँ पे देखो भाई साहब इसको तो मैंने फिनिश ही कर डाला यार बातों बातों में। ओ भाई यहाँ पे मैं जीत चुका हूँ, और ये देखो गाइस क्या ही ग्राफिक्स है यार, अलग लेवल के है भाई।
गॉड ऑफ वॉर भी खेल के देख लेते हैं भाई। ये जो बंदा है ना यार क्रेटोस, इसकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है यार, मैं क्या ही बताऊं। जितने भी लोग पी एस फोर खरीदते हैं ना यार, मेरा ऐसा मानना है कि ये गेम खेलने के लिए ही खरीदते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं जैसे जैसे झाड़ कट कर रहा हूँ, देखो यार मेरे हाथों में भी उसी तरह से वाइब्रेशन आ रहे हैं। और भाई अपना ये जो क्रेटोस है ना यार, बहुत ही ज्यादा अलग लेवल की फाइट करता है यार। यहाँ पर देखो मैं आपको फाइट वगैरह करा के बताता हूँ उसके साथ। ये क्रेटोस की जो फाइटिंग स्किल्स है ना यार, इसका तो मैं एकदम से दीवाना हूँ। और भाई यहाँ पे देखो मैंने डोर ओपन कर दिया है, सामने एक बहुत ही बड़ा सांड जैसा इंसान है यार। अभी मेरे को जो है इसको हरा कर गेम के अंदर आगे बढ़ना है। भाई मैंने 3-4 बार ट्राई कर लिया यार, इसको हराना नामुमकिन लग रहा है मेरे को। इस गेम के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डुअल प्लेयर के साथ भी एक गेम खेल के देख लेते हैं यार। ये कंट्रोलर मैंने इसी के साथ खरीदा था। फटाफट से सेटिंग्स में चलते हैं, कंट्रोलर को इसके साथ पेयर कर लेते हैं। पहले PS4 के साथ आप तकरीबन 6 कंट्रोलर्स पेयर कर सकते हो। 2K20 गेम खेल के देख लेते हैं। आज से पहले इस गेम को मैंने कभी नहीं खेला। स्मैकडाउन पेन तो बहुत बार खेल चुका हूँ यार गेम। अपना ये जो रोमन रेगिंस है भाई साहब, इसको उठा उठा कर फेंके जा रहा है। बेचारा बंदा कौन है मेरे को पता नहीं है यार। देखो यहाँ पे एक और बार इसको फेंकने वाला है ये धड़ाम। काफी अच्छी क्वालिटी यार इस गेम की भी। शैडो ऑफ द टॉम राइडर गेम भी खेल के देख लेते हैं। ये भी जो गेम है ना यार, इसके अंदर जो ग्राफिक्स दी गई है एकदम अलग ही लेवल, हाई ग्राफिक्स देखने को मिलती है। और भाई ये जो ग्राफिक्स है सिर्फ PS4 के अंदर ही आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर देखो ये जो बंदी है कुछ आगे करने जा रही है यार, मेरे को पता नहीं। ये भी गेम जो है मैं फर्स्ट टाइम खेलने वाला हूँ। और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ तो हो रहा है भाई साहब। यहाँ पर एकदम से भूकंप आने लगा है, तो यहाँ पर इन लोगों को भागना होगा यहाँ से। अरे यार यहाँ से भागो तुम, क्या फोटो वोटो लेने में लगी हो, निकलो भाई साहब यहाँ से। अरे यार यहाँ पर देखो इतने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। और यार ये जो कंट्रोलर है इसके अंदर क्या ही वाइब्रेशंस देखने को मिल रही है। देखो मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ। ओह जैसे जैसे यहाँ पे भूकंप आ रहा है, ऊपर से पत्थर वगैरह गिर रहे हैं, उसी तरह से मेरे हाथों में भी इस कंट्रोलर के जरिए वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार आप एकदम से जो है ना कैरेक्टर के अंदर घुस चुके हो। और ये जो सामने स्पीकर नजर आ रहा है, इसके अंदर से भी साउंड आ रही है। घोस्ट ऑफ सुशीमा गेम भी खेल के देख लेते हैं भाई। इसके अंदर जो है अपने को हॉर्स चलाना होता है। देखो यहाँ पर मैं हॉर्स चला रहा हूँ और यहाँ पे मेरे को ओ बटन प्रेस करने के लिए बोल रहा है, अटैक करने के लिए। देखो जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर ये अटैक किए जा रहा है। यार अगर आप ये PS4 खरीदना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर खरीद सकते हो। और भाई खरीदने से पहले एक बार कॉल वगैरह भी करके पूछना, शायद आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिल सकता है इस PS4 पर। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अपन खेलेंगे रेड डेड रिडेम्पशन 2। और इसके अंदर भी देखो ये जो बंदा है घोड़ा वगैरह चला रहा है। और पीछे देखो यार क्या ग्राफिक्स नजर आ रहे हैं, एकदम रियल नजर आ रहे हैं भाई। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है अहमद, अली बलोच, देवचंद, सलमान, अनुज नागर, वरुण लोही, उजल कलीटा, मंगोला घोष, तनय, शिवु, अनीम। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेट करूंगा जो भी आप अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है, एंड मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार वीडियो गेम्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।